यूट्यूब के चैनल में हम सभी वीडियो का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित STT बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है 94,000 प्राइमरी शिक्षकों को लेके, और ये खबर कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक लंबे अरसे से इस तैयारी में जुटे हुए थे कि जल्द से जल्द वो शिक्षक बन सकें और बिहार के विद्यालयों में पढ़ा सकें। तो अब कहीं ना कहीं जो सपना था टीचर बनने का वो पूरा होता बन रहा है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो शिक्षा मंत्री बने थे मेवालाल चौधरी, उनको हटा दिया गया है इस पद से। इसके पीछे का कारण ये था कि उनके ऊपर कई सारे घोटाले जो हैं पहले जो हुए थे उन घोटालों में नाम आने के कारण उन्हें ये इस पद से हटा दिया गया और उन्होंने जो कल दोपहर में त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और आपने देखा होगा एक राष्ट्रगान का भी मुद्दा था और राष्ट्रगान में भी उन्होंने कई सारी गलतियां की थी, इसके कारण भी जो था उनको उससे पद से हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि 94,000 प्राइमरी शिक्षकों को नियोजन पत्र अगले माह, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा है नगर विकास में, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या कुछ है ये खबर। 94,000 प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन के लिए रुकी काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल इसी माह महीने जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह के मुताबिक छठ के बाद शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर में हर हाल में नियोजन पत्र बांट दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कैंप मोड में की जाएगी, इससे अभ्यर्थी को काफ़ी आसानी होगी। तो ये भी बात कही गई है कि कैंप के माध्यम से कहा गया है कि जो भाई वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो एक तो ये आसानी हो जाएगी कि भाई जो भी अभ्यर्थी जिस ज़िले में हैं या जहाँ पे हैं वहीं पे उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और इसमें ये फ़ायदा होगा कि भाई अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली भी होगी, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने कई ज़िलों में आवेदन कर रखा है, उसका नाम जो है अगर कई सारे अब ज़िलों में ना आकर उसी ज़िले में आएगा, ठीक है, जिसका वो जहाँ से वो उसमें वो रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई। अधिक से अधिक जो शिक्षकों की बहाली है वो भी होगी और खाली पदों के होने की संभावना घटेगी इसमें, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 33,000 नए माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए भी विभाग के द्वारा जो है वो घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में एक अच्छी अपडेट है भाई, और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो सके जिससे कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसा कि तेजस्वी यादव ने मेवालाल को भ्रष्टाचार का आरोपी बताया था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। और देखिए ये एक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया है शिक्षक नियोजन से संबंधित, तो बहुत महत्वपूर्ण लेटर हो सकता है। काफ़ी लंबे अरसे से अभ्यर्थी इंतज़ार भी कर रहे थे कि भाई बहाली में उनको मौका मिले और जल्द से जल्द उनकी बहाली हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बस अब आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार तो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग खुद अब इस मनसे में है कि भाई आपकी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाए। और उसके बाद देखिए 87,000 फिर से नए शिक्षकों की भी बहाली होनी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई बहाली का प्रक्रम तो चलता ही रहेगा और इस प्रकार से कोई भी जो है बीच में अड़चन ना आए। और अड़चन के पीछे का मेन मुख्य मुद्दा यह है कि भाई अड़चन कौन लगा रहा है। हम अगर विभाग को दोषी माने तो उससे अधिक दोषी हम खुद भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि BEd DLED से लड़ रहा है, DLED BEd से लड़ रहा है, कोई प्राथमिकता को लेके लड़ रहा है, कोई सीटेड दिसंबर के मुद्दे को लेके लड़ रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई जब आपस में ही ये अभ्यर्थी लड़ाई लड़ेंगे तो इसमें इससे क्या होगा भाई कि गलत जो है वो प्रभाव पड़ेगा और ये मामला कोर्ट में जाएगा तो और भी लंबा खींचेगा। जिस प्रकार से यही कारण है कि भाई जो बोर्ड है उसे मौका मिल जाता है भाई बहाली पर स्टे लगाने का या रोकने का, ठीक है। अब देखिए ये लेटर जारी किया गया है प्रेषित सभी पंचायत सचिव
प्रखंड और आई शिक्षक नियोजन 2020 से संबंधित मेधा सूची सीडी सहित उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षक नियोजन 2020 से संबंधित मेधा सूची सीडी सहित दिनांक 24/11/2020 तक जिला को उपलब्ध कराया जाना है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 22/11/2020 तक अचूक रूप से शिक्षक नियोजन 2020 से संबंधित मेधा सूची की सीडी सहित कार्यालय में उपलब्ध कराया सुनिश्चित करें ताकि उक्त सूची का मिलान कर जिला को ससमय उपलब्ध कराया जा सके। उक्त तिथि तक सूची प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर भी जारी किया गया है मेरिट लिस्ट को लेकर कि शिक्षक नियोजन 2020 से संबंधित मेधा सूची की सीडी जो है सीडी सहित जो है वो उपलब्ध कराने की मांग की गई है। तो ये भी एक खबर है, यानी कहीं ना कहीं विभाग जो है वो पूरे जोर को लगाए हुए है और जल्द से जल्द अब विभाग इस बहाली को पूरा करना चाहता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ जो आज की न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बनी है। 32,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ एसटीडी छात्रों के लिए कि 32,020, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 32,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो है वो बहाली होने जा रही है। 94,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और 32,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो है वो अब बहाली का रास्ता हो चुका है साफ। तो विभाग ने ले लिया है बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग ने लिया है आज बड़ा फैसला। 1,25,000 नियुक्ति पत्र बांटना विभाग ने कहा है कि एक चुनौती भी है। देखिए लिखा है राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 1,25,000 प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अंजाम तक पहुंचाना फिलहाल शिक्षा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 94,000 प्रारंभिक पहली से दे सकते हैं 8वीं के लिए और 32,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब 1.5 साल पहले आरंभ हुई थी। आधा दर्जन से अधिक बार नियुक्ति पत्र बांटे जाने की प्रक्रिया चली है। देख सकते हैं 32,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया करीब जो है 1.5 साल पहले प्रारंभ कर दी गई थी, ठीक है। और देख सकते हैं नियुक्ति पत्र बांटे गए। गौरतलब हो कि शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई 2019 को छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी किया था। जब 29 नवंबर 2019 को नियुक्ति पत्र बांटे जाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से आवेदन समेत नियोजन जो है वो लटका रहा। इधर आप देख सकते हैं 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी हुआ इस शेड्यूल के मुताबिक 26 अगस्त से 25। देखिए ये पूरा का पूरा जो है बताया गया है कि भाई किस किस तरीके से जो बहाली है वो चली थी और कितना बड़ा अड़चन जो आया था। और अब कहा जा रहा है कि भाई जो 32,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो है वो भी बहाली जो है वो अधर में लटकी हुई है और वो भी बहाली अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। और ऐसे में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में साफ बताया है नई बहाली का रास्ता भी अब कहीं ना कहीं साफ हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कल का ही न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा है 33,000 शिक्षकों की बहाली हो सकती है हाई स्कूल और प्लस टू में। 33,000 कहा गया है कि भाई शिक्षकों की जो है बहाली होगी। तो आप इस न्यूज़ को भी काफ़ी विस्तार से पढ़ लें क्योंकि ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि 33,000 जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो है वो बहाली होगी। तो बड़ी अपडेट है, बड़े खबर से जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।